हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। और ये एपिसोड हमारा है 56, है ना। इससे पहले जो अपना एपिसोड था वो 54 था, और इसमें बायोलॉजी है चूंकि, तो इसमें जूलॉजी का भी पार्ट ऐड होगा, है ना। तो अब हमारे पास कुछ और अदर क्वेश्चन है। तो एज सच एज मैं गणेश चौहान और हमारे साथी हैं, मैं डॉक्टर पीएल सैनी। डॉक्टर पीएल सैनी जो हमारे काफ़ी रेस्पेक्टेड और काफ़ी बॉटनी का नॉलेज रखने वाले हमारे डियर सर हैं, तो उनके साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन, मियोसिस हम किस में देख सकते हैं, टैपिटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर या फिर स्पोर मदर सेल। तो सर इसका आंसर फोर जाता है, हाँ, स्पोर मदर सेल। तो स्टूडेंट्स एक बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके डाइवर्सिटी से लेकर हायर प्लांट्स तक ये बार बार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट कैन सीन एट, तो आप याद रखिएगा इस मदर सेल मींस नेक्स्ट डिवीजन इज मियोटिक डिवीजन। सो इस मदर सेल ऑलवेज डिवाइडेड थ्रू मियोटिक डिवीजन। आंसर बिल्कुल आंसर फोर्थ हो जाता है। तो ये फोर्थ है, स्पोर मदर सेल, है ना जी। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सर के व्हिच इज द लास्ट फेज ऑफ स्पोरोफाइट फेज, ऐसी कंडीशन में भी अपना स्पोर मदर सेल आंसर आ जाता है। हां सर बिल्कुल। इसके बाद में जैसे कि जैसे सर अपन इसको अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है जो बच्चों के काम आ सकता है। जैसे लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट तो वो क्या होगी सर, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल 2n है, आफ्टर देन मियोटिक डिवीजन, तो n स्टेज एस्टेब्लिश हो जाएगी और गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पोर मदर सेल सेल, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट तो इसमें अपन क्या रखते हैं सर, जायगोट। इसमें जायगोट, बिल्कुल। जायगोट कैसा है, 2n। हां जी, और जायगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जी, तो बोथ आर 2n। ये फर्स्ट सेल हो जाएगी, ये लास्ट सेल, लास्ट सेल हो जाएगी, है ना जी। इसके बाद में अपना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट फेज सर, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट गैमेट्स, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट गैमेट्स। तो ये एक्चुअली गैमेट होते हैं क्योंकि गैमेट सीधे ही जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे, और ये चूंकि एन है और ये टू एन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही आता है कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट तो उसमें अपन लोग स्पोर्स को कंसीडर करते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा भी जाता है। ये डाइवर्सिटी में सबसे एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि इस गैमेटोफाइट की लास्ट सेल क्या है, स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या है, तो उसके रेस्पेक्ट में भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो स्पोर्स एक्चुअली बनेंगे इसी से, स्पोर मदर सेल। अब इनके फोर ऑप्शंस को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं सॉरी। टैपिटल सेल माइटोटिक डिवीजन होगी, और जनरली इनकम्प्लीट माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे कि या तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होने के बाद टीलोफेज में स्टेज अरेस्ट हो जाएगी, अदरवाइज साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है। सो इट मतलब टैपिटल सेल्स आर डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये एनलार्ज होती है उसके बाद स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी, तो इसके अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। माइक्रोस्पोर ऑलरेडी एन है, एन है, इसमें मियोसिस, तो मियोसिस मियोसिस के थ्रू बनता, इसलिए ये हैप्लॉइड हो गया। तो आपको मियोसिस कहां देखने को मिलेगा, केवल इसी सेल। अच्छा, वैसे भी सर जो हैप्लॉइड सेल होती है उसमें तो हम मियोसिस देख भी नहीं सकते, नहीं देख सकते, कभी नहीं होता, नेवर। हां, हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना सर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं,
और इस क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज। ये काफी अच्छा टर्म है और अक्सर एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी में चुकी इसका डिस्क्रिप्शन है। इन रेडियल एंड टेंजेंटल वॉल एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर में जो डेहिसेंस लाइन का फॉर्मेशन होता है एट द मैच्योरिटी ऑफ एंथर लोब्स, तो वो कहीं ना कहीं इसी के जरिए जनरेट किया जाता है ना। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं अगर हम सपोज एक एंथर्स की एक 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 एंथर लोब की एक साइड की बात करें, तो यहाँ पर ये तो स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं वो एक्चुअली हो जाएगा एपिडर्मिस, है ना जी। अब इसके नीचे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये वंस लेयर्ड थिक होता है और इसमें जो प्रेजेंस होती है वो कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके से रेडियल फॉर्म में ये हमारे कहीं ना कहीं अपने अल्फा सेलुलोज बैंड्स पाए जाते हैं। तो ये तो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जी। और इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं जो रेडियली अरेंज्ड हैं ये कहलाते हैं अल्फा सेलुलोज बैंड्स, यही है। और इन्हीं की मदद से जब ये वॉल अपना जो एंथर लोब्स है वो मैच्योर हो जाते हैं तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस लाइन बनती है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है सर। अल्फा सेलुलोज जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता, इसकी वजह से इसमें डिपोजिशन होने पर जैसे ड्राइनेश होगी तो इन सेल्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ये रप्चर नहीं होगी, बट स्टोमियम सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो रप्चर हो जाएगी तो ये डाइसेंस हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट व्हिच इज सराउंडेड बाय टू लेयर। चल सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपन एक बार इस क्वेश्चन को यहां तक बच्चों को एक्सप्लेन करें। हाँ, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, तो थोड़ा सा भाई जैसे यहाँ पर एक एमएमसी सेल होती है, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो एमएमसी जो है वो एक्चुअली क्या होती है, 2N है, इसे स्पोरोजिनस मदर सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, इट्स डिवाइडेड बाय मियोटिक मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जैसे एनसीईआरटी ने टेट्राड आइसोवायलेटेड फॉर्म में जनरेट किए। अब इसमें जो फोर है, जब ये कैलोज की लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कैलोज की होती है, कैलेज एंजाइम इसे डिग्रेड करता है और फाइनली दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। दे हैव जंप ओवर एट सम टाइम सम प्लेसेस, और इसमें एक न्यूक्लियस बनता है जो इरेगुलर है, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, एक राउंडेड स्पेरिकल जनरेट फॉर्म होता है और ये एक कहीं ना कहीं जनरेटिव सेल कहलाती है। अब चूंकि जो याद करो नेक्स्ट पिछले हमने उसमें भी स्टडी किया था, यहां भी एक क्वेश्चन है इस टाइप के कि एंजियोस्पर्म में जो 40% सर वो जो मेल गैमेटोफाइट है या पोलन ग्रेन है वो 40% थ्री सेल स्टेज में जाते हैं। तो थ्री सेल स्टेज का मतलब हो गया कि जो जनरेटिव सेल है ये एक्चुअली माइटोटिकली डिवाइड होगी और यहाँ दो मेल गैमेट बन जाएंगे। अब इसके अंदर जो थ्री सेल है उसका मतलब है एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पर दो मेल गैमेट की भी प्रेजेंस है, तो इसीलिए वो थ्री सेल स्टेज है। तो चूंकि जिस सेल के अंदर गैमेट प्रेजेंस होंगे सर वो गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट होगा, चूंकि ये इसमें मेल गैमेट प्रेजेंस है तो ये मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। तो चौहान साहब, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे टू सेल्ड कंडीशन में रिलीज हो रहा हो और चाहे थ्री सेल्ड कंडीशन में रिलीज हो रहा हो, यदि टू सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन है तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है और यदि थ्री सेल्ड है तो फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। हाँ, दोनों ही कंडीशन में ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है किस पर, पोलन ग्रेन पर। पोलन ग्रेन, नेक्स्ट व्हिच इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स
आउटर एग्जाइन कहलाती है और इनर जो है इंटाइन कहलाती है. एग्जाइन इज एब्सेंट एट सम प्लेसेस ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ डाइकॉट प्लांट. दिस प्लेस रिप्रेजेंट जैसा कि सर ने बताया ये वाला पार्ट या इन ऑन सम पॉइंट एग्जाइन इज एब्सेंट. दीज पोर्स आर कॉल्ड जर्म पोर. इन्हें हम जर्म पोर कहेंगे. तो ऑब्वियसली ए जो पॉइंट होगा वो जर्म पोर रिप्रेजेंट करेगा. तो हमारे पास सेकंड में जर्म पोर है, थर्ड में जर्म पोर है, फोर्थ में. अब है एंड इट परफॉर्म्स हियर ए एंड बी. और इसके जरिए क्या होता है एक्चुअली ये पैसेज सर प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन की एंट्री के लिए. पोलन ग्रेन के सॉरी इमर्ज के लिए. इमर्ज जो बाहर आते हैं उसके लिए. तो उसके लिए तो फोर्थ आंसर हो जाता है इनिशिएट ऑफ पोलन ट्यूब. ये बात सही है. सेक्रीशन न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता. हेल्प इन रेस्पिरेशन का कोई यहाँ पर कंसेप्ट है नहीं. तो ऑब्वियसली हमारे पास ये फोर बेहतर ऑप्शन है आंसर है. तो राइट आंसर भी ये फोर्थ ही है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम इज ऑब्जर्व इन. एक अंडपी अंडाशय देखा जाता है. सनफ्लावर पी अनियन एंड टमेटो. सर अपन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में आपको आसान लग रहा होगा लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सनफ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सनफ्लावर में सर रे फ्लोरेट होते हैं जी है ना. तो रे फ्लोरेट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रे फ्लोरेट में सीड एक जरूर होता है सर उसके गाइनोसियम में लेकिन ये कहीं ना कहीं बाइकार्पेलरी कंडीशन को शो करती है ना. और पी ये मोनोकार्पेलरी 100% क्योंकि लेगुमिनस प्लांट कहीं भी होगा वो मोनोकार्पेलरी को शो करेगा जी बिल्कुल. अब अनियन में ट्राइकार्पेलरी कंडीशन है क्योंकि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है. और टमाटो में ये बाइकार्पेलरी क्योंकि सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है. वास्तव में जो बच्चों को यहाँ समझना चाहिए वो सनफ्लावर और पी में डिफरेंस को समझना चाहिए है ना. तो अपनी जो ये होती है पी यानी फाबेसी फैमिली में हमेशा मोनोकार्पेलरी पाई जाती है लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इस सनफ्लावर के रेस्पेक्ट में भी बात करनी थी तो बाइकार्पेलरी कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि इनके डिस्फ्लोरेट एंड रेफ्लोरेट होता है जी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव वन ओव्यूल इन एन ओवरी. एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है ना. मोनोकार्पेलरी कंडीशन है प्लस यहाँ पर इनके एक ही ओव्यूल प्रेजेंस होगा है ना सर. तो यहाँ पर ओव्यूल की के नंबर की बात की हमने. कार्पल को हमें इसमें ध्यान नहीं रखना. हमें ध्यान ये रखना है कि ओव्यूल नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने. आपने अभी जो आंसर ने बताया ये आपके पास कोड है किसकी मतलब इसकी पी की. इसके अंदर यहाँ पर इस सूचर के ऊपर ऐसे सीड्स लगे हुए होते हैं. मैनी सीड्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल पोड. सो आप ये कह सकते हो कि ओवरी इज मोनोकार्पेलरी बट नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर मोर आर मेनी मोर देन वन. मोर देन वन ठीक है. बट यहाँ पर हमने बात की है वन ओव्यूल की. तो वन ओव्यूल इट अकर्स इन बेसल प्लेसेंटेशन. ये बेसल प्लेसेंटेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है. इसके अलावा ग्रेमिनी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक. बिल्कुल सर. तो इसलिए इसके अंदर हम लोग ढूंढे तो एक तो सर अपना ये वीट हो जाएगा इसमें भी बेसल बेसल हो जाएगा है ना. हाँ अब पैडी भी अपना ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है. दूसरा ये हो जाएगा मैंगो सिंगल सीड रखेगा. हाँ सिंगल सीड तो सिंगल ओव्यूल मैंगो भी कंसीडर हो जाएगा. पपाया में मैनी मैनी सीड्स प्रेजेंस होते हैं. वाटरमेलन मैनी मैनी है. ऑर्किड वेरी वेरी मैनी. हाँ मैनी मतलब इसमें बहुत स्मॉलेस्ट सीड आर फाउंड इन ऑर्किड. हाँ बिल्कुल. एंड आलमंड एंड डेट पाम दे आर आल्सो सिंगल सिंगल सीडेड. तो इसमें फाइव हो जाते हैं सर जी है ना. तो फोर्थ आंसर निकल बिल्कुल सही हो जाता है. तो याद रखना सर ने बहुत सही यहाँ पर बात बताई कि यहाँ एन ओबरी की बात कर रहा है तो वो ओबरी कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके अंदर एक ओव्यूल होना चाहिए. वही आपको सिलेक्ट करना. तो सर आगे चल.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लांट इन इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोसियम मल्टीकार्पेलरी एंड सिंकार्पस आई मीन कार्पल्स फ्यूज हो जाए मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट बट दे आर फ्यूज्ड फ्यूज्ड एंड दे प्रिपेयर कॉमन फ्रूट हाँ कॉमन सिंगल फ्रूट इनका एक ही फ्रूट होगा है ना तो एनसीईआरटी ने जैसे सिंकार्पस अच्छा यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से समझने लायक है कि जो मॉर्फोलॉजी है उसमें चार फैमिली हमें पढ़ाई गई है याद रखना उसमें जो सर तीन फैमिली है जैसे सोलेनेसी है सिंकार्पस ओवरी है ना लिलिएसी में ट्राइकार्पलरी है सिंकार्पस ओवरी है और उसके बाद मालवेसी भी सिंकार्पस है जो चाइना में हो जाता है ना लेकिन जो फावेसी है उसमें चूंकि वो मोनोकार्पलरी कंडीशन है तो ना तो हम उसमें एयरपोर्ट सब यूज करते हैं ना सिंकार्पस तो एनसीईआरटी ने जो हमें तीन चार फैमिली पढ़ाई गई है उसमें से जो तीन है सर तो वो सिंकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है हमारा इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपको एक्सप्लेन करने का मतलब ही यही है कि एनसीईआरटी बेस्ड ये सिंकार्पस और एपोकार्पस की आपको कहानी समझ में आ जाए जी तो एनसीईआरटी ने एपोकार्पस ओवरी विद डायग्राम वो सॉरी सिंकार्पस ओवरी को विद डायग्राम एनसीईआरटी में लिख रखा है हिबिस्कस का मतलब है कि चाइना रोज की बात कर रहा है अच्छा रोज में लोटस में इनमें एपोकार्पस ओवरी है तो हम इन्हें कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहे अच्छा मिचेलिया को विद डायग्राम इन्होंने एपोकार्पस बता रखा है ना ये मतलब मल्टीकार्पेलरी नहीं हाँ ये यूनिकार्पेलरी होता है और कोकोनट इज आल्सो यूनिकार्पेलरी तो ये चीज तो इसका मतलब है हमारा सेकंड आंसर आ जाता है ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है और ये भी जैसा कि जो आंसर ने बताया आप लोग देखिएगा कोकोनट इसमें हमें क्वेश्चन में मल्टीकार्पेलरी को थोड़ा सा स्ट्रेस करना है तो मल्टीकार्पेलरी ये मैंगो मतलब यूनिकार्पेलरी कोकोनट यूनिकार्पेलरी तो ये तो दो वैसे निकल के मिचेलिया ये आपके एग्जाम में आता है चंपा का बॉटनिकल नेम है और ये जनरली क्या होता है आपकी इलेवंथ की एनसीईआरटी में और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में दोनों के अंदर ही इसका जिक्र मिलता है तो मिचेलिया ये एपोकार्पस है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी का फिर हमारे पास लोटस और रोज आते हैं दे आर आल्सो एपोकार्पस बिल्कुल पेपावर एंड हिबिस्कस हिबिस्कस मालवेसी को रिप्रेजेंट करेगा और पेपावर पेपावरेसी को बोथ आर सिंकार्पस बिल्कुल अच्छा यहाँ पर एक बात हमें याद रखना पेपावर सोमिनीफेरम ये अफीम का वर्ड बोल रहा था सो यहाँ पे लिखा भी अभी ये अफीम यहाँ ऐसे लिए हिंदी में अपन ने लिख रहे ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा विच सेल डिवीजन एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट्स है ना ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन की कौन सी सेल है उसके जरिए ये आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन फॉर्मेशन है ना तो यहाँ जनरेटिव सेल है अंडरस्टूड है इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आर्चिस पोरियल सेल आपको पता होगा इनिशियली जो सेल मदर सेल की तरह बिहेव करेगी वो क्या करती है सबसे पहले जब है डेवलप होने लगती है तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं मोस्टली आर्चिस पोरियल ठीक है वेजिटेटिव सेल ओनली ट्यूब न्यूक्लियर मतलब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी और ट्यूब सेल आप इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सो हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है जनरेटिव सेल है ना और जनरेटिव सेल के लिए सर ये भी कहा जाता है कि ये जो खुद भी जब बनती है माइक्रोस्पोर के दौरान तो यहाँ पर एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है जैसे जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्पोर जब फर्दर माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट शो करते हैं तो इनमें जो फर्स्ट जो डिवीजन होता है इसमें अनइक्वल होता है एसिमेट्रिक यहाँ कहा जाता है कि इस तरीके से इसमें स्पिंडल फाइबर भी कुछ इस तरीके के हमें नजर आते हैं तो ये अनइक्वल डिवीजन एसिमेट्रिक शब्द एनसीईआरटी ने सब यूज कर रखा है ये बनती है जनरेटिव और ये बनती है बाद में वेजिटेटिव सेल तो ये भी कहीं ना कहीं माइटोटिक डिवीजन जी और फिर ये जो जनरेटिव सेल बनती है इससे जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो मेल गैमेट का फॉर्म होता है पोलन ट्यूब तो जो आंसर इसमें बड़ी लार्ज वैक्यूल्स अराइज हो जाते हैं
बिल्कुल। तो उससे क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसकी मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है वेजिटेटिव, ताकि ट्यूब इजीली बन जाए, पोलन ट्यूब इजीली बन जाए। और जनरेटिव सेल को केवल मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी होती है, इसलिए ये अनइक्वली डिवाइड होता है। तो जो आपकी जनरेटिव सेल है वो स्मॉल और वेजिटेटिव सेल लार्ज हो जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो ये बातें देखो ध्यान से सुनने की हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बातें नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ये है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अपनी माइक्रोस्पोरेंजियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हो कि ये हमारे जो मोस्टली प्लांट्स हैं उसमें डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, और ये ट्राइगोनल टेट्रागोनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं चार एंगल्स इसमें नजर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो खास तौर से सेगमेंट है जो इसके चारों लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सर हम लोग इसमें इसके ए बी सी और डी जो मेंशन है वो स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे, है ना। इसकी एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जो है उसके अरेंजमेंट की सीक्वेंस के बेसिस पर आ जाता है ना। जी बिल्कुल। तो इसमें ए पार्ट क्या है, ए पार्ट जाहिर सी बात है कि सबसे आउटर है, तो ये एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसके बाद में जो बी पार्ट है वो इसके लोअर मोस्ट सरफेस पर है, तो ये कहीं ना कहीं एंडोथीशियम को सर रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जी। तो एपिडर्मिस देन एंडोथीशियम, ये सेकंड वाला एंडोथीशियम था, मतलब सेकंड और थर्ड में अपना एक कोई आंसर है। और फिर इसमें जो अपना पार्ट जा रहा है जो सी है, सी कहीं ना कहीं कैपिटम के रेस्पेक्ट में जा रहा है, और ये डी मिडिल लेयर के फॉर्म में जा रहा है, तो ये आंसर अपना सेकंड सही बन जाता है, है ना। जी ये, तो ये सेकंड आंसर अपना जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। जी तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक इन द मेगास्पोरिंजियम द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय, है ना, मेगास्पोरिंजियम में एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के दौरान। जी हाँ, तो सर क्या ये आपका ओव्यूल हो गया, ये फिर इसके बाद हो गया आपके पास एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होनी है तो इसको जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो इस टिश्यू के थ्रू प्रोवाइड होगा। ये वाला जो टिश्यू होता है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं न्यूसिलस। सो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक गेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसिलस। तो आंसर हो जाता हमारा थर्ड, क्योंकि टैपिटम तो अपना डेवलपमेंट देता है उसको माइक्रोस्पोरम, क्योंकि इसकी पोजीशन भी माइक्रोस्पोरम के अंदर होती है। एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, नॉट एम्ब्रियो सैक, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन और सीड मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी एंडोस्पर्म ये प्रोवाइड करेगा। हां ठीक है। फिर कोटिलीडन, ये सीड जर्मिनेशन उसमें ये बात कही गई है। जी बिल्कुल। कि व्हेन द न्यूट्रिशन ऑफ एंडोस्पर्म आर कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो बट स्पेशली बाय द कोटिलीडन ऑफ एम्ब्रियो, और इस वजह से वो कोटिलेडन थोड़ी सी बड़े साइज में हो जाती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी जी। और इसीलिए वो अपन देखते हैं जैसे ग्राउंड नट है मूंगफली, उसमें जो दो कोटिलेडन है उसमें रिजर्व फोर प्रेजेंस होता है। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या है कि आखिर एक जायगॉट से एक जो एम्ब्रियो बनना है वो किस डायरेक्शन में, या उसका एवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो क्या होता है। अरेंज ए बी सी डी एंड ई इन द सीक्वेंस ऑफ डायगॉट एम्ब्रियो फ्रॉम जायगॉट स्टेज, जायगॉट स्टेज से डायगॉट एम्ब्रियो बनने की जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए सर। तो मेरे हिसाब से सर इसमें देखें तो ये सिंगल सेल है, तो जायगॉट को ये रिप्रेजेंट करेगा। बी स्टार्टिंग में अपन देखें तो एक ही में आ रहा है, जो डिवाइड करके ये होस्टोरिया और ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है, जिनकी संख्या
आठ से नौ तक मानी गई, सात से नौ, है ना जी जी। अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये ग्लोबुलर देन हार्ट शेप, हाँ ग्लोबुलर देन हार्ट शेप और देन टू क्वार्टर जी। तो इस तरीके से बी बी ए एंड सी, फोर्थ आंसर बिल्कुल इसका। इसमें दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका और सॉल्व हो जाता है, कई बार आपको मतलब वर्डिंग में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वर्ड्स दे दिए मतलब कौन सा किसको फॉलो करता है, जैसे ग्लोबुलर फॉलोड बाय हार्ट शेप या हार्ट शेप फॉलोड बाय ग्लोबुलर, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, है ना। तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये आपके ब्रेन में सेट होना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो समझ लो कि एनसीईआरटी में जहाँ सिन गैमी और सिन कार्पस और एपो कार्पस कंडीशन दी है तो वहां पर ये मिचेलिया की सर्वो कार्पल है जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट फॉर्म में है ना जी। जीवी रिसेप्टिकल पर ये सब कुछ अरेंज्ड है ना। तो गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट क्या है, ये जो दिया गया डायग्राम है क्या, तो क्या ये मेल कॉर्न ऑफ जिम्नोस्पर्म से नहीं है, क्योंकि मेल कॉर्न जैसे अपन साइकस में ही बात करें तो ये प्लांट के टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है लेकिन वो इस तरीके का नहीं है। फीमेल कॉर्न ऑफ जिम्नोस्पर्म तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम वो भी नहीं, इक्विसिटम का भी स्ट्रोबिलस ये नहीं है। फोर्थ आंसर है ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है आप नीचे। सर यहीं पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग्रीगेट जो फ्रूट्स होते हैं ईच कार्पल इज कन्वर्टेड टू फ्रूटलेट एंड इट फॉर्म ए एग्रीगेट एग्रीगेट फ्रूट, तो इससे बनते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी बार बनता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और ये डायग्राम कहीं ना कहीं मेगास्पोर और जेनेसिस को शो कर रहा है बिकॉज मेगास्पोर टेट्राड वर्ड भी दे रखा है और चैलेजल एंड एंड की भी बात करी जा रही है और उस माइक्रोपाइलर एंड की भी बात करी जा रही है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट है मेगास्पोर और जेनेसिस से। तो यहाँ कहा है गिवन दिस लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल remain, three are degenerated. The functional megaspore will be present in which end of pollen? ठीक है। तो किस end पर होगा, मतलब ovule के किस end पर ये functional की position होती है, ये अच्छा question बनता है। तो यहाँ पर एक chalazal end की बात करी जा रही है सर नीचे के side में, बिल्कुल मतलब ये एक कहीं ना कहीं ovule है इस तरीके से और इस ओव्यूल पर हम इसकी लोकेशन अगर समझना चाहें तो यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी जी, उसमें मियोसिस होगा तो यहाँ पर फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर जो कि लीनियरली अरेंज्ड हैं वो प्रेजेंस होंगे। यहाँ कहा जाता है कि व्हाट मेगास्पोर मदर सेल differentiate from nucleus cell which divided by meiotic division and produce four haploid megaspore, out of them three megaspore towards the micropylar end are degenerate while the remain four towards the chalazal end, this is chalazal end act as a functional megaspore and produce embryo cell जी. or female gametophyte। तो सर ये इस तरीके से ये हो गया, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ बच जाएगा और वो फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। बोल सर तो अपना फर्स्ट आंसर चला जाएगा कि चले चले एंड पर ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ना सर जी। तो ये चीज अब ये उसी क्वेश्चन का सप्लीमेंट आगे का फॉर्मेट है सर जी। तो इन गिवन डायग्राम व्हिच इवेंट अकर्स, ठीक है यहाँ हो क्या रहा है, ये जो डायग्राम दिए गए हैं एक्चुअली ये क्या है। तो यहाँ पर अपन देखें मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता तो यहाँ टेट्राड स्पोर हमें नजर आते हैं, बिल्कुल अब वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ है नहीं हाँ। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस बिल्कुल मान सकते हैं मेगा स्पोर, फिर है मेगा गैमेटोजेनेसिस क्योंकि मेगा गैमेटोफाइट तो ये है
बट गैमेट की फॉर्मेशन इसमें दिखाई नहीं दे रही। एग सर नजर आ रहा है ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज हमें यहाँ पर नजर आती जी, है ना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट को सर रिप्रेजेंट किया था। तो फिर तो थर्ड आंसर तो मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि हम इसे हम कहेंगे एक्चुअली दिस इज एम्ब्रियो सेक। ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है, और इसी को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, फाइट, है ना। तो ये जो अंदर ये जो लाइनिंग है ये भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि ये सिनर्जिड से ये क्या है, एक्स है। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो एक चीज सर यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बच्चों को डिस्कस करना चाहिए कि ये जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ही स्टडी होता है। ये इस डायग्राम का इंडिकेट हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एग की जो लोकेशन है सर वो अपर साइड में है जी। मतलब आप देखो तो ये टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर अगर ये अपर साइड में है तो माइक्रोपाइल अगर यहाँ है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन में ही देखा जा रहा है, ठीक है। ये बात अलग है कि बाद में जब एनाट्रोपस कंडीशन आती है तो ये बैंड हो जाता है और उसके चलते फिर ये एग की लोकेशन लोअर सरफेस पर आ जाती है। यहाँ एग का होना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके आगे का जो डायग्राम है ना सर उसमें एग को नीचे दिखाया गया है, लेकिन यहाँ तक का जो डायग्राम है उसमें अपर साइड में बनाया है। बिल्कुल, तो हम ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दे आर स्टडीड इन ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें चंद साहब हम लोग इस सेकेंड ऑप्शन को क्यों नहीं दे सकते, जरा सा हम इस पे भी उसका रीजन ये है। देखिए आपके पास ये मेगा स्पोर मदर सेल थी और इसमें ये मियोटिक डिवीजन हो गया और आपके पास एक लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन हो, ये है, ये यहां तक ये तीन डीजनरेट हो गए, आपके पास एक सिंगल बचा, ये प्रोसेस था मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर ये डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, देन फिर आपके पास ये डिवीजन हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये गैमेटोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोसेस जो है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। सो आंसर मीन्स सर इनका ये कहना है ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड स्पोर्स, फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स तक जो स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस है। अब चूंकि वहां से फंक्शनल मेगा स्पोर ये गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, ये डेवलपमेंट को शो कर रहा है, तो इसलिए मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके सर, थैंक यू। अब ये व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म प्लांट, इनकी प्लॉयडी क्या होगी? न्यूसिलस है सर, न्यूसिलस एक्चुअली 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एलिरोन लेयर है, ये बिल्कुल याद रखने लायक चीज है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं इस पर। मेगास्पोरा मदर सेल ओबवियसली 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट में हम जाएं तो 2n है और फिर 3n है, तो इसका मतलब हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। रॉन्ग को सिलेक्ट करना है। मैंगो कंटेन वन ओव्यूल इन ओवरी, एक ओव्यूल में एक ही बीज पाया जाता है, सब सिंगल सीडेड है। पपाया कंटेन मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी, तो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है। मिचेलिया कंटेन मल्टी कार्पस, सिम कार्पस, ये यहां सिम के इसकी वजह से, मान ली इसकी वजह से रॉन्ग हो गया क्योंकि वहां एपोकार्पस कंडीशन थी। लोटस ये भी सही है क्योंकि लोटस में एपोकार्पस कंडीशन, आंसर इज थर्ड। तो आंसर इज थर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन आर, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है सर, वो जो एनसीईआरटी ने उसमें दिया है ना,
इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इंटरेक्शन वाले हिस्से में दिया आउटब्रीड डिवाइसेस खासतौर से आउटब्रीड डिवाइसेस में जी मतलब ये प्लांट के कुछ इस तरीके के एडेप्टेशन है जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं बिल्कुल जिससे जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो सके बिल्कुल जिससे कि उनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन आए और वो ज्यादा बेहतर तरीके अपने आप को इवॉल्व कर पाए जी प्रोजेनी बेहतर तो सर इसमें अपन डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हमें कुछ ऐसा समझना है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे और सेल्फ को डिस्करेज पोलर रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड करेक्ट करेक्ट सेल्फ नहीं होने देगा तो सेल्फ नहीं होगा नॉट सिंक्रोनाइज अच्छा सिंक्रोनाइज कंडीशन होना चाहिए थी हाँ मतलब उनकी लोकेशन सेम पोजीशन पर हो उनकी मैच्योरेशन सेम टाइम पर हो तो उस कंडीशन को हम सिंक्रोनाइज कहेंगे एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन ये भी सही सेल्फ को रोके ये सेल्फ को रोक देगा जैसे अपनी हेटेरोस्टाइली एक कंडीशन होती है यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस हो जाए तो ये उसमें प्राइम रोज में हमें देखने को मिलता है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ स्टाइल काफी लंबी हो जाती है और इसकी जो एंथर्स है वो काफी छोटे होते हैं तो इनमें कभी भी इनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो इनकी सेल्फ उस पर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोस्टाइली कंडीशन कहते हैं और ये हमें प्राइमरोज में सर नजर आती है बिल्कुल है ना तो ये भी बात देखें एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन आप देख रहे हैं एंथर यहां पर है स्टिग्मा यहां पर है इनके पोलन ग्रेन कभी भी स्पर्श डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया है प्राइमरोज ने है ना फिर है सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी ये भी सही है सेल्फ को रोक भी सही है ना सो आंसर इज फोर आंसर इज फोर तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है और ये आउटब्रीड डिवाइसेस में इसकी पूरी डिटेल स्टडी आपको दी गई है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो ठीक है ये स्टेटमेंट है इसमें रॉन्ग को सिलेक्ट करना है प्रिपेयर यूनिसेक्शुअल ऑफ फीमेल फ्लावर आफ्टर इमैस्कुलेशन इज बैक्ड इन द बड कंडीशन टू प्रिवेंट पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन बिल्कुल सही है सर करेक्ट ये जो मेंडल अपना जो वर्क करते थे तो बड कंडीशन में सर वो इमैस्कुलेशन करते थे बिल्कुल मतलब वो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनको यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करने के लिए जिसके तहत वो एंथर को रिमूव करते थे अपने आर्टिफिशियल प्रोसेस से इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेल स्टराइल प्लांट्स है ना तो मेल स्टराइल तो वो ऑलरेडी है तो उसमें जरूरत नहीं है इमैस्कुलेशन प्रोसेस इन प्लांट परफॉर्म ड्यूरिंग मैच्योर फ्लावर ये रॉन्ग हो गया सर क्योंकि मैच्योर अगर फ्लावर होगा तो जाहिर सी बात है रिलीज हो चुके होंगे और एक रिलीज हो उसका इमैस्कुलेशन में कोई बेनिफिट मिलेगा ही और सेल्फ पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल ये बात याद रखना सर बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ये जो इमैस्कुलेशन है वो आपको बड कंडीशन में ही करना है क्योंकि अगर फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई तो सर वहां पोलन ग्रेन बन चुके हो बिखर चुके हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन कर भी चुका हो आपकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाए हां किसी काम की नहीं बचेगी इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही सही तो सर हम थर्ड आंसर ले सकते हैं इसका देखिए आप लोग यदि आउटब्रीडिंग मतलब जो है ना रिप्रोडक्शन या उसकी बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है फर्स्ट है हमारे पास इमैस्कुलेशन ये बिफोर मैच्योरेशन करना होगा आपको ठीक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज दे पजेसेस सिंगल सेक्स ऑर्गन सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है उसके बाद हमें उसकी बैगिंग करनी होगी अदरवाइज अनडिजायरेबल जो कैरेक्टर है वो वहां तक पहुंच जाएगा थर्ड कंडीशन में हमें एक पेरेंट मतलब मेल पेरेंट का सिलेक्शन करना होगा जो आपके डिजायर कैरेक्टर वाला है और उसके बाद में हमें उसकी डस्टिंग करनी होगी और रीबैगिंग करनी होगी ये सारा प्रोसेस होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़िया क्वेश्चन है सर ये कायदे से देखा जाए तो जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंडेलिज्म वाले हिस्से में इसको बताया गया है ना
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो, इसमें मिसमैचिंग करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसीलिए अच्छा, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा और कोई टिपिकल ज्ञान नहीं है आपके लिए। तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम आंसर बिल्कुल सही है, कार्पल जो है कार्पल के लिए, जैसे हमने कल भी बात की थी कि कार्पल मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम, बिल्कुल सर। और एग को ये फीमेल गैमेटोफाइट कह रहा है, वो एम्ब्रियो सैक होता है, वो एम्ब्रियो सैक होता है, एग इज द फीमेल गैमेट नॉट अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो सर यही मिसमैच हो रहा है। हाँ अच्छा, पोलन ग्रीन मेल गैमेटोफाइट बिल्कुल सही है। हाँ ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म नीकर, मतलब पेट का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा, तो आंसर हमारा ये बन जाता है सही, क्योंकि यही यहाँ पर मिसमैच्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर। जी सर, ओके ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देख रहे हैं सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट एप्लीकेबल इन ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो सभी एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिल सकता है। टू सेल पोलन ग्रेन्स एट पॉलिनेशन, रॉन्ग हो गया आंसर, ये नियर अबाउट 60% में तो ये टू सेल्ड है, बट 40% में आपका थ्री सेल्ड स्टेट, थ्री सेल्ड प्रेजेंस ऑफ पॉलिनियम, इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉलिनियम अपना देखो, पॉलिनियम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पहले और समझ लें सर कि अच्छा पॉलिनियम का डिस्कशन हो जाए। देखो पॉलिनियम एक्चुअली क्या है, ये कैलाट्रोपस प्रोसेना में पाया जाता है, जिसे हम आप कहते हैं ना। तो पॉलिनियम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेमेंस, स्पेशली इन आपका यहाँ पर होता ये है कि इसे हम लोग बड़े आराम से एक बच्चा स्टूडेंट देख भी सकता है सर, कैसे, क्योंकि यहाँ एपोकार्पस कंडीशन होती है और ये दो कार्पल इसके स्टिग्मा पर अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये पॉलिनियम, ये इस पॉइंट पर यहाँ पॉलिनियम की प्रेजेंस होती है जी। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द और है जो अभी एनसीईआरटी में तो नहीं है, इस स्ट्रक्चर को सर हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं, मतलब एंडोस्टियम और गाइनोस्टियम दोनों मिक्स्ड फॉर्म है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं पॉलिनियम या पॉलिनिया, पॉलिनिया मल्टीलेटरल टर्म हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ इस तरीके का सर स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं। हाँ इसमें पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं, ये अपन हर को गेमिंग में भी सर बच्चों को बिल्कुल बताते हैं, कि वो जो है इसकी फिजिकल बैरियर्स आर प्रेजेंट बिटवीन गाइनोशियम एंड एंडोस्पर्म। तो ये पॉलिनियम स्ट्रक्चर है, इनमें इनके पोलन ग्रेन प्रेजेंस है, तो ये इस पॉलिनियम की बात है। वो ये केवल कैलोट्रोपिस में मिलेगी, तो ऑल में नहीं होगी। हां बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है साइफोनोगैमी एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन सर, ये मान सकते हैं क्योंकि हर एक के अंदर पोलन ट्यूब बनी पोलन एंजियोस्पर्म है, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए जो है सुटेबल होते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए क्या होगा उसके अंदर साइफोनोगैमी एंड इंटरनल सर, डिवीजन इन जनरेटिव सेल बिफोर पॉलिनेशन, ये 40% में जो है बिफोर पॉलिनेशन होता है, 60% में आफ्टर पॉलिनेशन होता है, बिल्कुल। तो सो आंसर इज थर्ड। हाँ तो ये पार्शली तो चलो सही हो जाएगा, हाँ। लेकिन 100% ये सही नहीं है, इसलिए आंसर अपना ये 100% जा रहा है, मींस इंटरनल भी होगा क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही जाके पोलन ट्यूब जाके मेल गैमेट को रिलीज करेंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, और मेल गैमेट हमेशा पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होंगे, तो वो साइफोनोगैमी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cryopreservation is a process to preserve pollen grains and other genomic structure of livings, it require, ये NCERT में 11th वाला ये जो 11th की NCERT है obviously उसमें sorry ये जो pollen grain वाली study है जहाँ पर microsporogenesis की study है वहाँ पर इस preservation की भी बात करेंगे, वहाँ के लिए फिर line में लिखा गया है कि liquid nitrogen को -196°C पर अपन preserve कर सकते हैं। First answer, तो सर first answer अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब ये हो गया कि ये एक ये यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि ये ओव्यूल है, अब इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, अब एक सेल यहाँ मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, इसमें सर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जनरेट हो जाएंगे, आउट ऑफ देम 3 आर डीजेनरेट एंड रिमेन 1 इज फंक्शनल, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर अब डिवाइड होगा, तो ये फर्स्ट माइटोटिक में 2 न्यूक्लियस, सेकेंड माइटोसिस में इसमें 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड थर्ड में ये यहाँ पर 8 न्यूक्लियस कंडीशन हमें क्लियर कट नजर आएगी, और इसमें से हाँ 1 मियोसिस, 1 मियोसिस यहाँ हुई होती है, 3 माइटोसिस, तो 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस इसका राइट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही है सर, मोनोस्पोरिक में। नेक्स्ट है प्लांट कंटेन बोथ टाइप ऑफ फ्लावर लाइक चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर से, अच्छा एनसीईआरटी ने सर उसका एक डायग्राम भी दे रखा है, वो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसमें क्लिस्टोगैमस है और एरियल पार्ट में चेस्मोगैमस फ्लावर को डायग्रामेटिक दिखा रखा है, और ये वहां पर उन्होंने लिख भी रखा है ऑक्सिलिस बायोला एंड कोमेला, बिल्कुल सर, तो इसमें अपने में बायोला सर आंसर आ रहा है, तो थर्ड ये उसका ऑप्शन बन रहा है, तो अपना बायोला को आप याद रखना, इससे कि अगर कोमेलाइना और ऑक्सिलिस भी होता तो भी वो भी इसमें आंसर बन जाता। नेक्स्ट है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है जी देखने में, आर्टिफिशियल मेथड्स जो ग्राफ्टिंग और वो कटिंग वगैरह होती है और ये नेचुरल प्रोसेस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि प्लांट में कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग ये सब प्रोसेस से भी न्यू प्लांट को जनरेट किया जाता है जी, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल में कंसिडर होते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस हमें नेचुरल फॉर्म में भी सर देखने को मिलती है, तो चलो ग्राफ्टिंग है ये आर्टिफिशियल में आ जाएगा, लेकिन कटिंग भी आर्टिफिशियल है, दोनों आर्टिफिशियल हो गए सर, अब लेयरिंग है और बुलबिल ये सही हो जाएगा, लेयरिंग एंड बुलबिल ठीक है, ये आर्टिफिशियल हो गया और ये नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया, ऑफसेट ये नेचुरल हो गया, ये आर्टिफिशियल उल्टा हो गया, हाँ और ये भी अपना नेचुरल, ये नेचुरल दोनों नेचुरल, तो अपना आंसर 100% सेकंड इस टाइप से चला जाए, तो याद रखना इस तरीके से जैसे कटिंग ग्राफ्टिंग और लेयरिंग जी है ना सर, तो ये अपने आर्टिफिशियल में कंसिडर हो जाते हैं ना, जबकि राइजोम है ट्यूबर है ऑफसेट है रनर है स्टोलन है सकर है दे आर इंक्लूडेड एज ए नेचुरल नेचुरल मेथड्स है ना, तो ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखने लगे है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फेवर एंटोमोफिली, यानी ध्यान देना एंटोमोफिली टर्म पर हमें ध्यान देना है कि एक इंसेक्ट पॉलिनेशन जहां हो रहा है एक्चुअली उसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलने चाहिए, फ्लावर आर यूजुअली लार्ज कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट, ये ठीक है क्योंकि इंसेक्ट को उसमें एंटर भी होना है तो इतना बड़ा होना चाहिए रहने के मतलब बैठने के लिए स्पेस मिल सके, दूर काफी दूर से दिखाई देने दिए जाए और स्मेल होगी या फ्रेग्रेंस होगी तो वो उनको आइडेंटिफाई करें, भाई अपन देखें तो मेरे ख्याल से अमार्को पालस तो 6 फीट सर लंबा होता है जी बिल्कुल, तो कितना बड़ा फ्लावर है। दूसरा पॉइंट है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बिल्कुल सही है क्योंकि वो उसको खाएंगे हाँ, तो और कुछ बचने भी चाहिए अदरवाइज पॉलिनेशन किसका होगा, हाँ वैसे तो सर लार्ज नंबर जो पोलन ग्रेन है वो एनिमोफिली का ज्यादा क्योंकि वो उसमें बेस वेस्ट वेस्ट उसमें वेस्ट की जगह वेस्ट है बट इसमें खाने के लिए चाहिए ना रिवार्ड रिवार्ड, तो ये पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट ये उसके लिए चला गया एंटोमोफिली एनिमोफिली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 मोफि
तो आंसर देखिए सर एक बार, फर्स्ट फर्स्ट है, सेकंड है,
थर्ड यहाँ नहीं है, नहीं फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सेवन्थ, ये हाँ फोर्थ भी जा रहा है, हाँ फिफ्थ भी है और ये सेवन्थ भी, तो फोर्थ तो अपना ये फोर्थ आंसर बन जाता है। अब इसमें ये अगर ऑप्शन में होता तो हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन इस टाइप का नहीं दिया है और so हम इसको एनीमो में ले एनीमो में कंसीडर कर सकते हैं जी। तो अपना पूरा आंसर बन जाता है। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर ये अच्छा है कि यहाँ पर आप डायग्राम भी देख पाएंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। Identify the given structure A, B, C, D and following diagram and select right option. इसके लिए right को select करना है। तो obviously आप देख पा रहे हैं कि नीचे तो egg apparatus है और बीच में सर वो polar nuclei है और वो antipodal cell। तो कह सकते हैं कि part A, A मतलब उसकी बात हो रही है antipodal fertilization, सर यहाँ गलत हो गया क्योंकि synergistic fertilization में help करेंगे by production of chemical to attract pollen tube towards the egg, है ना। फिर है part B, take part in endosperm formation, B part endosperm ठीक है, and part D produce pollen tube, D part जो है produce pollen tube, ये रो हो गया pollen tube है ना। अच्छा जी, तो part A जी present at micropylar end, micropylar end ये होना चाहिए जहाँ egg है वो उसी side होगा। तो part A तो सर वो opposite side होगा, हाँ, तो चले चले end पर बिल्कुल wrong हो गए, तो ये भी अपना wrong हो जाता है ना। part C, part C check part in zygote formation ठीक है, ये egg हो गया, हाँ, and part D help in fertilization बिल्कुल ठीक है, आप तो ये भी सही है, तो इसका मतलब fourth आ गया answer अपना चला जाता है। correct, synergids attract pollen tube so they helpful in fertilization and C represents egg cell which convert into zygote after fertilization, yes 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 sir। है ना सर, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोड्यूस पोलन किट ऑन पोलन ग्रेन्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं सर माइक्रोस्पोर से, उसमें पोलन किट का फॉर्मेशन कौन कराएगा जी, ये बात करी गई है। तो यहाँ अपन टेपिटल कंसीडर करते हैं, थर्ड आंसर चला जाता है, थर्ड आंसर चला जाता है ना जी। जो फैटी सब्सटेंसेज हैं उसमें से ये अपना थर्ड आंसर बन जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है जी, है ना। टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, हां ये ठीक है, करेक्ट है। हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फॉलिकल, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। इन एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वी वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन अकर्स बाय द वाटर, ये वाटर हाइसिंथ किस सेंस में ये गलत हो गया कि यहां इंसेक्ट और एयर पोलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट एंड एयर पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन वो वाटर क्योंकि वाटर हाइसिंथ एक्चुअली क्या है जरा समझने की सर जरूरत है इनको, याद करो इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, एक्चुअली इसमें कंसेप्ट ये था कि बंगाल में झील बहुत सारी हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए वो लोग इसको लेकर आए थे जी। लेकिन इस वाटर हाइसिंथ में इतना रैपिड ग्रोथ होती है कि उसने पूरी झील को ही कवर कर रखा है, और जब ये ग्रोथ करते हैं तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट पे ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल टिपिकल हो रहा है, बिल्कुल है ना। तो अच्छा, अब ये है सोचने की बात है जो मैंने कहना चाह रहा हूँ कि ये सुंदरता के लिए लेकर आए थे, तो इसका मतलब इनके फ्लावर अपर साइड में होंगे, यानी कि वाटर बॉडी से अपर साइड में होंगे, तो वहां पर वाटर पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो वहां पर इंसेक्ट या एयर पॉलिनेशन का कंसेप्ट है। अच्छा, तो सर ये गलत हो जाता है। फोर्थ है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लोइड, करेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होने के साथ में हमारा राइट आंसर बन जाता है। ठीक सर,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एंडोथीशियल लेयर, हम लोगों ने अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी स्टडी किया है, स्पोरोपोलेनिन एंडोथीशियम का कोई रोल नहीं है, इस ये सेल्यूलोज बैंड्स ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं एंडोथीशियम, अच्छा पेक्टोसेल्यूलोज ये नहीं, ये एपिटम का कांसेप्ट है, मान सकते हैं, लेकिन आपके एंडोथीशियम में अल्फा सेल्यूलोज बैंड्स ही प्रेजेंट होंगे, है ना जी। तो अच्छा इंफॉर्मेशन बेस्ड आपके लिए ये क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट इज सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज रोल इन इवोल्यूशन, सर ये गलत हो रहा है जी बिल्कुल, क्योंकि वो लक्षण नहीं है, न्यू कैरेक्टर सेड है नहीं हो, क्योंकि पेरेंट जैसा है वैसे ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग को ये जनरेट करते हैं जी। ग्राफ्टिंग इज यूनिशियल अनसक्सेसफुल इन मोनोकॉट एंड सक्सेसफुल इन डाइकॉट, करेक्ट है बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, कैम्बियम है नहीं बिल्कुल, तो जो ग्राफ्टिंग आप करोगे कलम और जो स्कंद बोलते हैं या सियान और स्टॉक बोलते हैं उनमें वो वैस्कुलर सप्लाई कनेक्ट नहीं होगी और उससे वहां पर वाटर और मिनरल और फूड की ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज रॉन्ग, हां इट इज रॉन्ग, जब मैं ये इट्स करेक्ट, हां ग्राफ्टिंग इज अनसक्सेसफुल मोनोकॉट बिल्कुल सही है। अ डाइकॉट में क्या होता है, वो रिंग में होता है, और रिंग में वैस्कुलर बंडल होने से क्या होता है कि उनकी जाइलम जाइलम से कनेक्ट हो जाते हैं और फ्लोएम फ्लोएम से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रहने वाली एक बात है सर, कि इनके जो डायमीटर होते हैं वो भी मैटर सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है इसका डायमीटर कुछ और लेकर आ जाओ तो इनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगी जी। तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है उनकी सप्लाई आपस में मैच कर जाते हैं और इसीलिए आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, इसमें सर वैसे अपन ये बात और कह सकते हैं जैसे उंगली कट जाती है जी जी, तो कहा जाता है कि अगर थोड़ा बहुत पार्ट जुड़ा रह जाए तो उसके जुड़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कनेक्ट है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये सेकंड इज करेक्ट, ये सही है सर। थर्ड, स्वीट पोटैटो डेवलप एडवांटेज बट डू नॉट टेक पार्ट इन वेजिटेशन प्रोपेगेशन, हाँ नहीं, यदि एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, सो इट इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। और फिर तो अपना आंसर सर क्या, सेकंड चला गया, सेकंड है क्योंकि करेक्ट पूछा, सेकंड सही है जी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम फर्स्ट ए एंड बी, तो ये है वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल एम्ब्रियो सैक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सेल को बताना, सेल को बता, इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस, इसमें अपने वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस की शेप है, और जनरेटिव सेल स्मॉल हो गया, स्मॉल न्यूक्लियस हो गया, और ये एम्ब्रियो सैक में मोर देन वन टू न्यूक्लियस, हां टू न्यूक्लियस करेक्ट हो गई, ये बात हो गई। तो ए के साथ आपका होगा सेकंड, सेकंड और बी के साथ फर्स्ट, तो यानी कि फोर्थ आंसर अपना करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द आंसर फॉर द गिवन पेयर, ठीक है, आप यहां पर है हिबिस्किस मल्टीकार्पेलरी, हिबिस्किस मल्टीकार्पेलरी बट सिंकार्पस, सिंकार्पस की बिल्कुल पेपावर मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस, मिचेलिया मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस भी सही है, मेल लॉन्गेस्ट स्टाइल करेक्ट है, लॉन्गेस्ट स्टाइल होती है 45 सेंटीमीटर, हां नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर की होती है, सेंटीमीटर जैसे आप लोगों ने मक्के का भुट्टा अगर ओपन किया होगा वो ऐसे बाहर का जो कवरिंग है, सो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं जो खाने में बड़ी दिक्कत करते हैं, एक्चुअली वो स्टाइल ही होते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा, तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑल आर करेक्ट जवाब है ना ये चीज। तो सिनर्जिक सहायक कोष का न्यून कौन के लिए कौन सा कथन सत्य है, राइट स्टेटमेंट अबाउट द सिनर्जिक सेल, पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेन गैमेट इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन ये सर ठीक है ना, दे आर फाउंड इन माइक्रोस्पोर, ये गलत हो गया, सिनर्जिक में प्रोड्यूस पी, ये भी गलत हो गया, दे मे बी टू एन आई एन होती है, तो ये सीधे सीधे अपना फर्स्ट आंसर इसका चला जाता है ना ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है जी 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 जी, कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेटोफाइट और उनमें नंबर ऑफ सेल की बात करी जा रही है, टू सेल स्टेज सर 40 60% ये अच्छा खासा एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है,
दो प्रोथेलियन सेल होती है और एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पाइनस का जो पोलन ग्रीन है वो फोर सेल। रिसेंटली इस पर ये भी पूछा था कि इसमें विंग कहां से आता है, विंग्ड पोलन ग्रीन। ये पिछली साल ही तो पीएमओ ने बताया जी, वो जो एक्साइन है वो उसकी वो विंग बनाते हैं। ये एनिमली के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। अच्छा, फोर सेल अपने ये पाइनस के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, अब 12 सेल स्टेज, ये आपको स्लेजी लेना है। वैसे 13 सेल होते हैं, तो 12 की बात करी गई है, तो यहाँ तक ये चला जाएगा। एक प्रोथेलियल को निकाल दिया ना, इसलिए 12 मानो। हाँ, 12। हाँ सही है। तो अपना क्या नाम को ए से सेकंड, ए में सेकंड जा रहा है सर। हाँ, अपना ए के आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा हाँ, देखो इस साल भी नीट में ऐसा ही था। हाँ, ज्यादातर में एक सही, अगर बच्चे को एक भी सही ऑप्शन पता है तो बड़े आराम से वो आंसर देता है। वैसे ही अपना ये भी आ गया, तो इसमें ए में सेकंड जा रहा है, बी में थर्ड और सी में वन और डी में फोर्थ। जी सर, विच सेल कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर यहाँ पर ये बात बच्चों को बताई जाए कि ये जो लार्ज न्यूक्लियस इरेगुलर है, क्या यही ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है? जी है ना, हम बाजू में यही बन जाए, वही यही तो बनता है जो पोलन ट्यूब के आगे आगे चलता है। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म इसी में रहता है और पोस्टीरियर एंड में कैलोज प्लग बनते रहते हैं। तो फर्स्ट आंसर चला, ये फर्स्ट आंसर अपना चला जाता है। Which of the following statement is right? इसमें हमें statement में से कुछ right को select करना है। Pollen grain of family Solanaceae have variability up to months, sir सही है? क्योंकि Solanaceae, Leguminaceae and Rosaceae ये कुछ महीनों तक रहते हैं। Pollen grain of rice have variability more than 1 hour। ये wrong है ना, half an hour। क्योंकि 30 मिनट की बात कर रही है सर। Pollen grains may store up to many years in liquid phosphor nitrogen होता तो ये सही होगा। सही है, तो ये phosphorus की वजह से गलत हो गया। जी, अब इसमें आता है pollen grains increase performance of athletes। करेक्ट है, ये सही है। कल हमारी बात हुई थी कि pollen grain contain qualitative food they enhance performance of race horses and athletes, ऐसे NCERT की लाइन है। जी, तो इसलिए सर ए सही हो रहा है, डी और डी सही हो रहा है, थर्ड आंसर सही जा रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको करना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी से बाहर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो उसमें दिमाग लगाना आज की डेट में बेकार है, क्योंकि अब एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो which of the following is not applicable to asexual reproduction in organism? Asexual के लिए कौन applicable नहीं होगा? तो it is always monoparental sir। मैं मान सकते हैं। ठीक है। Asexual है। It is quick method of multiplication। ये भी ठीक है। है ना? Gamete formation में absent अलग हो गया। में absent। देखो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे अच्छे से हो जाए, है ना, ये बात ध्यान देना। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड बी मेगास्पोरेंजियम माइक्रो, ये इसमें जो सर बार बार आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। हाँ, मेगास्पोरेंजियम जो आंसर ओव्यूट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेपल कार्पल स्टेपल। अच्छा सर, माइक्रो बिल्कुल, मेगास्पोर कार्पल कार्पल में चला जाएगा, इसको मिल जाएगा फीमेल गैमेटोफाइटा में से। ये हमारा, तो ये अपनी पेयरिंग बन जाती है, इन्हें आप ध्यान से याद रखना। So, क्योंकि देखो ऐसे है, कहा गया ना सर कि फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, तो यानी कि जो लीफ है वही एक्चुअली फ्लोरल पार्ट्स में कन्वर्ट, पार्ट्स में आप ऐसे मान सकते हो। जी,
तो ए में जा रहा है सर थ्री, तो ए में थ्री इसमें है, बी में सर बी में फर्स्ट फर्स्ट है ना, तो ये आंसर अपना फोर्थ फोर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब चीजें बड़े मायने रखती है, आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। Which is right about to generative sir? Generative में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल। तो उसमें sir contain maximum reserve food, it is characteristic of vegetative sir. Vegetative sir. Not generative. Generative का नहीं। Large irregular sir ने बार बार आपको बताया। ये भी vegetative। Vegetative का character. Contain small liquid. ये मान सकते हैं। ठीक है। और it modified in tube nucleus, ये फिर vegetative का। दो मिनट पहले sir ने आपसे बात की है। Character है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड आंसर बिल्कुल। स्पोरोपोलेन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द पोलन रेन, इट इज केमिकल। स्पोरोपोलेन केमिकली किस चीज की बनी है? फैटी सब्सटेंसेस है सर। सेकंड ऑप्शन है इसका, नो डाउट। लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसका है, प्रोटीन या फैट या कार्बोहाइड्रेट। तो फैटी सब्सटेंस एस्टर सर इसमें। हां, मोस्टली एस्टर्स प्रेजेंस होते हैं ना। During development of male gametophyte from the pollen mother cell, there occurs. ये क्या होता है कि जब pollen bean बन रहे होते हैं mother cell से, यानी कि male gametophyte बन रहे होते, तो two mitosis, ये सब अपन ने वहाँ पर चीजों को समझाता है कि एक microspore में एक asymmetric mitotic होगा, तो उसपे एक generative और nucleus vegetative nucleus बनेगा। फिर उसके बाद में एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल, तो यानी कि एक तो मियोसिस होना चाहिए। बिल्कुल, पोलन मदर सेल एमएससी बात, ये कंडीशन आ गई। हाँ, ये हो गया। और ये आपके पास मियोटिक डिवीजन, सो फोर सेल्स स्पोर्टेड, हां, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये सेपरेशन हुआ तो माइक्रोस्पोर हो गया जॉन सर। हां सर। और इस माइक्रोस्पोर में फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव बन गया, और फिर इससे कंप्लीट ये इस तरीके से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। हाँ। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होगी, ये भी माइटोसिस हो गया। सो टू माइटोसिस एंड वन मियोसिस एंड वन मियोसिस, तो ये अपना थर्ड आंसर चला गया। अच्छा लगा, है ना सर जी। तो ये था ये पूरा सेगमेंट, आगे है कंप्लीट, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो एनसीईआरटी बेस स्टडी पर ही फोकस करना है। आप इस शॉर्ट टाइम में भी जो कोरोना से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो भी हमें फॉलो करना कर रहा है या करना चाह रहा है, वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करें, खासतौर से बायोलॉजी के अंदर, और उस वो एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।